तो दोस्तों, अगर आपने नया YouTube चैनल खोल लिया है तो YouTube चैनल को टू स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और उसको ना करने से क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका YouTube चैनल कभी भी हैक हो सकता है या फिर आपका YouTube चैनल में कोई भी स्पैमिंग आ सकता है, इसलिए टू स्टेप करना बिल्कुल जरूरी होता है। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे, आप अपना YouTube वीडियो पे थंबनेल नहीं लगा पाएंगे या फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन करना बिल्कुल ही जरूरी होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन ओपन करते ही डैशबोर्ड में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना चैनल लोगो के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैनेज गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है मैनेज योर डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको फोन वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है। तो मैं आपको डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी में टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो कंप्यूटर में मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। अपना मेल आईडी डालने के बाद अपने यूट्यूब चैनल में लॉगिन कर लेना है। यूट्यूब चैनल में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे देखेंगे यू हैव योर सिक्योरिटी टिप्स, यहाँ पे रिव्यू सिक्योरिटी टिप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका सेव ब्राउजर कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। कंटिन्यू टू योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा साइन इन टू योर गूगल। तो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है और टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए और गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जिस मोबाइल नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं अपने YouTube चैनल पे या फिर ईमेल आईडी पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद टेक्स्ट मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑफ का ऑप्शन शो हो चुका है, मोबाइल नंबर भी वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको चला जाना है अपने YT स्टूडियो में, यानी गूगल ब्राउजर में आपको जाना है YT स्टूडियो में। गूगल ब्राउजर पे हमारा YouTube चैनल खोल के रखा है और यहाँ पे YT स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इस प्रकार से शो हो जाएगा और कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया सेट किया हुआ है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है, जो मोबाइल नंबर आपने उस समय पे डाले थे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है और आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो ओटीपी डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फोन नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपको इस टैब को कट कर देना है। कट करेंगे तो आपको अपना यूट्यूब चैनल को दोबारा से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, फिर से अपलोड थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल अपलोड करने के लिए सिस्टम दे रहा है, यानी कि आप थंबनेल को लगा सकते हैं कोई भी वीडियो में और हमारा यूट्यूब चैनल वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप इसी प्रकार से यूट्यूब चैनल को टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लेलिस्ट क्या है, प्लेलिस्ट कैसे लगाया जाता है, प्लेलिस्ट से क्या फायदा होगा, साथ में टैग कैसे लगाया जाता है और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, सब कुछ जानकारी देंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।